अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर देश भर में शुरू किए गए कांग्रेस जनसंपर्क अभियान को लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर के दिशा निर्देश पर आज पानीपत जिला कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक लाल बत्ती स्थित कांग्रेस भवन में हरियाणा कांग्रेस कमेटी के महासचिव तथा जिला कांग्रेस प्रभारी सतविंदर सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई। जिला प्रभारी सतविंदर सिंह संधू ने उपस्थित कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से पानीपत में 30 सितंबर की पोल खोल महारैली को सफल बनाने में पानीपत के नेताओं ने भारी सहयोग दिया, उसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और कहा कि कांग्रेस जनसंपर्क अभियान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर शुरू किया गया है। जनसंपर्क अभियान के तहत विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर 10-10 बूथ सहयोगी बनाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि कांग्रेस बूथ स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। कांग्रेस कमेटी के द्वारा जनसंपर्क अभियान 2 अक्टूबर से जो स्टार्ट हुआ है और ये 19 नवंबर तक चलेगा, इसके तहत हमारे बूथ पे हमारे बूथ के 10 सहयोगी बनाने का कार्यक्रम है और हम इसमें 10 बूथ सहयोगी बनाएंगे और जो कांग्रेस ने पिछले 60 साल में काम किए हैं वो भी जनता तक पहुंचाएंगे और 4 साल में देश को इस भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से पीछे ले जाने का काम किया है उसका भी प्रचार करेंगे। और ये मेन कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को हाई कमान के साथ जोड़ने का है क्योंकि आज तक कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी नहीं थी, अब इस पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी बनाने का ये कार्यक्रम है। ठीक है, क्या नाम आपका? तरुण भंडारी। क्या आप कोषाध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस? आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बूथ कमेटियां गठित करने के लिए आज की मीटिंग रखी गई थी जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष तरुण भंडारी ने शिरकत किया था यहाँ पे और सबको जितने भी हमारे से एक्टिव हमारे कार्यकर्ता हैं उनको ये जिम्मेवारियाँ दी गई हैं अपने अपने बूथ पे अपनी कमेटियों को गठित करें। तो जिले लेवल की बैठक की गई? जिला लेवल की बैठक थी जिसमें जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उनके सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे और सबको जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक है, क्या नाम आपका? कमल दीवान, प्रदेश अध्यक्ष स्थानीय निकाय कांग्रेस। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक जनसंपर्क अभियान शुरुआत की गई है जिसमें पूरे देश में हर बूथ पर बूथ के 10 सहयोगियों को बनाने का एक संकल्प लिया गया है, उसकी आज पानीपत में शुरुआत हमारे माननीय जिला प्रभारी श्री सतविंदर संधू जी और हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर कोषाध्यक्ष श्री तरुण भंडारी जी के नेतृत्व में आज मीटिंग आयोजित की गई जिसमें विस्तार से सभी कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। राहुल गांधी जी के निर्देश के जो दिए गए हैं उससे अवगत कराया गया और बताया गया कि हर बूथ पर जाकर के 10-10 सहयोगी बनाए सभी कार्यकर्ताओं को इसमें आह्वान किया गया कि सभी पार्टी की मजबूती के लिए इस कार्यक्रम में जुटने का उन्होंने जो आह्वान किया। मैं समझता हूँ कि पानीपत में जिस तरह की 30 तारीख की रैली को सफल किया इस अभियान को भी पानीपत के सभी साथी मिलकर के इसको सफल बनाएंगे और ये कार्यक्रम 29 नवंबर तक चलेगा जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और जब बूथ के ऊपर कांग्रेस खड़ी हो जाएगी मैं समझता हूँ कि देश में और प्रदेश में कांग्रेस को आने से कोई रोक नहीं सकती। क्या नाम आपका? ओमवीर सिंह कुमार, वरिष्ठ कांग्रेस। आज जो बैठक थी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री तरुण भंडारी जी थे यहाँ पर और माननीय श्री राहुल गांधी जी के आदेश पर अशोक तंवर जी के आदेश पर एक जन अभियान चलाया गया है डोर टू डोर सर्वे का और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्लॉक स्तर पर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता एकत्रित करने का जिसके लिए हमने एक कोष इकट्ठा कर रहे हैं। कोष तो एक तरीका है, बाकी तो हम अपने कार्यकर्ता पर एक संयोजित करके चल रहे हैं। ये एक डोर टू डोर अभियान है जिसके लिए आज ये मीटिंग रखी गई थी और जिसके लिए आज सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हो गए और जिसमें हमारे सतविंदर सिंह संधू और जी पवार जी को क्या नाम? विकास त्यागी, चेयरमैन हरियाणा।